कांत झुकी है प्यारी छटा, बाकी चितवन तुम्हारी है। आजकल लोग प्रणाम करना नहीं जानते, आजकल लोग माँ बाप को भी प्रणाम करते हैं तो एहसान करते हैं माँ बाप को, और प्रणाम तो करते ही नहीं। कई तो बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप को हाय हेलो भी नहीं करते। प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करना आना चाहिए। आजकल लोग माँ बाप से भी हाथ मिलाते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, हाथ नहीं मिलाना चाहिए किसी से भी। विशेष तौर पर युवा भाई बहन समझ लें, मानना न मानना आपकी बात है, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं। कभी भी किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, दिस इज नॉट आवर कल्चर, ये हमारी सभ्यता हमारे संस्कारों में नहीं है। अब आप कहेंगे साहब हाथ मिलाने में भी आपकी सभ्यता क्या कर रही है, इसमें साइंटिफिक रीजन भी है। जैसे ही आप किसी के हाथ से हाथ मिलाते हैं तो उसकी नेगेटिव जो ऊर्जा है वो आपको स्पर्श करती है, और उसके जो शरीर के कीटाणु हैं वो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कभी हाथ मिलाने की परंपरा नहीं हमारे यहां। बताइए हमारे प्रणाम कैसे किया जाता है अननोन आदमी से, बोलिए जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं हम लोग? नमस्ते, दोनों हाथ जोड़ के। और जब दोनों हाथ जोड़ते हैं, जैसे ताली भी बजाते हैं दोनों हाथ जोड़ते हैं, तो एक दूसरे में जब स्पर्श होता है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी कंडीशन में चला जाता है। इसलिए भी दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार हमारे यहां होता है, नमस्ते ऐसे। दूसरा ये तो हो गया किसी के लिए भी नमस्कार, तीन प्रकार के प्रणाम होते हैं हमारे यहां, कितने? हेलो तो एक ही प्रकार का है, बुड्ढा आ जाए, बच्चा आ जाए, जवान आ जाए, कोई आ जाए, सब उसके साथ हेलो। और आजकल के लोग हेलो कम करते हैं, कोई भी अननोन आदमी आ जाए, आजकल भारत में कल्चर चला है हग करने का, हाँ या ना, जवाब दीजिए। रोड पे भी चल रहे पहली पहली एक दो मुलाकात हुई नहीं बस हग करना प्रारंभ कर देते हैं। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं इस पर ये आपकी पवित्रता और सभ्यता दोनों के अगेंस्ट है। आप भारतीय हो, आप बाहरी नहीं हो, आप भारतीय हो, और भारतीय परंपराओं का सम्मान करना ये आपको आना चाहिए। आप भी करिए और अपने बच्चों से भी करवाइए। आप देखिए अब बाहर के कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं ना तो हमारे यहां के नमस्कार करते हैं, करते कि नहीं, दोनों हाथ जोड़ के। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो कभी फॉरनर जो फॉरनर्स होते हैं हमारे आगे आते हैं तो वो ऐसे नमस्कार करते हैं ऐसे, और उनको नमस्ते बोलना नहीं आता फिर भी बोलते नमस्ते। हम भी बोलते हैं नमस्ते, अब हम उसे आता नहीं मिलाते, बहुत रियर। और हमारे यहीं कई मानात्मा भूत आत्मा ऐसी हैं, अरे महाराज जी आपको तो हमने टीवी पे देखा था, कैसे हैं आप? बदतमीज, जब टीवी पे ही देखा है तो हाथ आगे क्यों बढ़ा रहा है? टीवी पे देखा है तो ये तो पता होगा ना, हाथ नहीं मिलाना है फिर। तीन प्रकार के प्रणाम करो, जिसे आप नहीं जानते हो उसको भी अगर आप प्रणाम कर रहे हो तो दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिए। और आदर देना चाहते हो, जिससे आपने कुछ लर्न किया है, जिससे आपने कुछ सीखा है, हाथ जोड़िए और सर झुका के प्रणाम कीजिए। और जिनके प्रति आपका पूर्ण सद्भाव है, वो मां बाप, वो गुरु और वो भगवान, वहां जाकर साष्टांग दंडवत कीजिए, साष्टांग। और जब आप साष्टांग दंडवत करते, इसका मतलब क्या है? आपकी कृपा से ही मेरा अस्तित्व है, इसलिए मैं आपके चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हूं। ये तीन प्रकार के प्रणाम जीव को करने चाहिए।
विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।